हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 11 में आप किसी भी फाइल का बैकअप और कैसे मतलब बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट फोन पर क्लिक कर देना है सबसे ऊपर। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं बैकअप एंड रिस्टोर की ऑप्शन मिल जाएगी, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको दोस्तों अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट किया अपने फ़ोन में वो ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगी। तो अगर आपको दोस्तों कॉन्टैक्ट्स कॉल हिस्ट्री वगैरह का बैकअप क्रिएट करना है, एसएमएस वगैरह का, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सिस्टम ऐप का डाटा क्रिएट करना है तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का डाटा और ऐप्स को बैकअप क्रिएट करना है तो ये वाली ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तीनों को ऐसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और फिलहाल मैं ये एसएमएस और कॉल हिस्ट्री वगैरह का ही डाटा का ही बैकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैकअप पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक कर देंगे और ये बैकअप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर 100% हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको रिस्टोर करके भी दिखाना है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, फिनिश। तो फिर से मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे। सबसे ऊपर जो भी फाइल आपने बैकअप क्रिएट की होगी रिसेंटली वो सबसे ऊपर दिखाई देगी डेट और टाइम के साथ, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फाइल है वो रिस्टोर होने शुरू हो जाएगी।